तो गाइस अगर आप 8,000 रुपये तक कोई बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको यार बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाए, बेस्ट कैमरा हो, साथ ही दोस्तों अगर बात करूं यहां पर डिस्प्ले और बैटरी की, तो दोनों आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाए, तो गाइस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यहां पर 3 बहुत अच्छे स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि दोस्तों आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं यार तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ। और गाइस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोको C3 की। और गाइज यहाँ पर आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आपको 3 GB रैम 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512 GB तक, और ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 7,500 रुपये में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको दी गई 6.53 इंचेस की बड़ी HD+ की डिस्प्ले। बैक में यहाँ पर आपको 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मेन कैमरा है 13 MP और 5 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा दिया गया है। और गाइस बात करूँ इमेज क्वालिटी की यार, यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से अच्छी इमेज क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप भी काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आप डेली यूज़ के लिए कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आप यार डेली टास्क कर पाएँ, नॉर्मल गेमिंग कर पाएँ, तो गाइस यार आप इस फोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर। तो दोस्तों नॉर्मल यूजिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगला फ़ोन है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स In1B। गाइस ये एक अलौता स्मार्टफोन है जहां पर आपको 4 GB रैम मिल जाएगी, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, USB Type-C की पोर्ट दी गई है और साथ ही दोस्तों यहां पर आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है गाइस कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर होगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको गारंटीड 2 साल के अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। गाइस बात करूँ मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की बड़ी HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बैक में यहाँ पर आपको डबल कैमरा सेंसर दिए गए जहाँ पर मेन कैमरा है 13 MP का और 8 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर बात करूँ इमेज क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बात करूं बैटरी बैकअप की यार, तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जहां पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं नॉर्मल यूजेस के हिसाब से, तो गाइस ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर भी आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर जहाँ पर दोस्तों आप आसानी से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे और नॉर्मल गेमिंग का भी आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस अगर आप माइक्रोमैक्स का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी फ़ोन है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी Narzo 20A। हालांकि गाइस ये स्मार्टफोन आपको 8,500 रुपये में देखने को मिलेगा जहां पर आपको 3 GB रैम 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, लेकिन गाइस प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है। यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो गाइस प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं या फिर हैवी गेमिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो गाइज अगर आप 500 रुपये और बढ़ाते हैं तो यार आप इस फोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर मेरे को डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों बात करूँ मेन फीचर्स की यार, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मेन कैमरा है 12 MP का और 8 MP का भी यहाँ पर आपको सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात की जाए बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको बैकअप 1 से 1.5 दिन का बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, अगर आप 500 रुपये और बढ़ा सकते हैं तो यार बढ़ा के यार इस फ़ोन को ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप चाहें तो यार इस फ़ोन को भी ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ़ोन की है। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग M01 ले सकते हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 7,500 रुपये में मिल जाएगा जहाँ पर आपको मिल जाएगी 3 GB रैम 32 GB की इंटरनल मेमोरी जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512 GB तक। दोस्तों अगर बात करूँ डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं दिया गया है।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको दी गई 5.7 इंचेस की HD प्लस की TFT डिस्प्ले। साथ ही दोस्तों बात करूँ कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको डबल सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर बात की जाए इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर भी आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और गाइस अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर भी आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूजिंग के हिसाब से कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए डे टू डे यूजर्स के लिए, तो गाइस सर यहां पर आपको दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आप नॉर्मल गेमिंग कर पाएँ, डेली टास्क इजीली हैंडल कर पाएँ, तो गाइस सर आप इस फ़ोन को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आप सैमसंग का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी मिल रही, तो अगर आप चाहें तो इस फ़ोन को आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी तरफ से top 3 स्मार्टफोन्स की लिस्ट। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।